रामगढ़ लोकसभा से आरएस बंसल होंगे बसपा और सपा गठबंधन प्रत्याशी। अब खबरें विस्तार से। मंडी में गेहूं की नहीं हो सकी फिर नीलामी, व्यापारी पर माल बदलने का लगा आरोप। जतारा स्थानीय कृषि उपज मंडी समिति में प्रशासन के द्वारा बीते 2 साल पहले जब्त किए गए सरकारी गेहूं की आज फिर नीलामी लगाई जानी थी, जिसको लेकर न्यायालय के आदेश पर जतारा एसडीएम आरएस बकना के द्वारा जतारा तहसील एसडी प्रजापति कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सपना सेन राजेश निरीक्षक मंडी सचिव एवं अधिकारी की टीम का गठन किया गया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जब्त किए गए सरकारी गेहूं की मंडी में नीलामी की जानी थी। व्यापारी विनोद कुमार जैन के द्वारा जो गेहूं कृषि मंडी लाकर दिखाया तो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सपना सेन भड़क गए और व्यापारी पर माल बदलने का इल्जाम लगाते हुए नीलामी रद्द कर दी। समाजवादी व बसपा गठबंधन पार्टी से प्रधानमंत्री बनी बहन माया और सत्ता की बागडोर अखिलेश के पास होगी। यह बात सपा एवं बसपा गठबंधन से प्रत्याशी आर बंसल द्वारा कही गई। आर बंसल टीकमगढ़ छतरपुर संसदीय क्षेत्र से समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन पार्टी के उम्मीदवार हैं। सेवा निरपेक्ष की एसडीपी एवं आरएस बंसल के द्वारा मैं अपने निवास पर पत्रकारों से एक चर्चा के दौरान बोले, इस बार जनता का रुख वर्तमान सरकार को उकाड़ फेंकने का है। विधानसभा का चुनाव आप महान दल से लड़ी थी, ऐसी क्या वजह पड़ गई कि लोकसभा में आपने पार्टी बदल के गठबंधन ज्वाइन कर लिया? निश्चित तौर पर आपके द्वारा जो बताया गया है कि मैंने महान दल से चुनाव लड़ा था, मैंने अपनी सेवा काल से सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने समाज सेवा का संकल्प लिया है और विधानसभा में महान दल से चुनाव लड़ करके जनता के बीच में आया था। हमने बाहुबलियों से चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में हमारी सफलता नहीं मिली है, लेकिन हमें चूंकि समाज सेवा करना है, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री अखिलेश यादव साहब और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी मायावती बहन मायावती के आशीर्वाद हमारे साथ है और उनके विचारों से प्रेरित होकर के हमने गठबंधन की पार्टी ज्वाइन करके खजुराहो